चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर नंबर 2 आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था ट्रांसफॉर्मेशन, हमने पढ़ी थी। उसमें हमने देखा था कि इट मींस इट इज़ चेंज द ऑब्जेक्ट, द इमेज विल बी चेंज इन सम वॉट एज एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। सो ये डिफरेंट हमने जो है वो ऑब्जेक्ट लिए, ये ऑब्जेक्ट था उसके हमने डिफरेंट इमेजेस ली थी, उसमें सब चेंजेस आ रही थी। और जो चेंजेस आ रही थी उसके बाद जो है फिर हमने देखा था कि जो टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू दीज चेंजेस इन वेक ऑफ दीज चेंजेस डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन की बन जाती हैं। उसमें हमने देखा था रिफ्लेक्शन, इसके बाद था रोटेशन, इसके बाद था एनलार्जमेंट और ट्रांसलेशन, ये 4 टाइप्स हैं। इसके बाद हमने रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया था। रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि अगर हम मिरर को जो है वो ऑन वाई एक्सेस करेंगे और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट लेके उसका इमेज बनाएंगे तो वो रिफ्लेक्शन जो है वो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सेस होगा। अगर इसी तरीके से और इसके अलावा ये था कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा ऑन द प्लेन मिरर तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फिजिक्स द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट जो है एक और चीज़ ये हो गया कि ये जो भी ऑब्जेक्ट से इमेज बनेगा इन एक्सेस के ऊपर या मिरर के अगेंस्ट दूसरी साइड के ऊपर तो ऑब्जेक्ट से मिरर तक जो है वो 90 डिग्री बनेगा, और इसी तरीके से जो है वो इमेज से जो इमेज बनेगी वो भी मिरर से 90 डिग्री के ऊपर होगा। तो दो चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट और दो चीज़ें हमें याद रखने वाली हैं, वो ये है कि 90 डिग्री होना चाहिए जब भी हम ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर जाते हैं लाइन, और इसी तरीके से दोनों का डिस्टेंस जो है वो बराबर होना चाहिए। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है, इक्वल डिस्टेंस एंड 90 डिग्री। ये हमने बिल्कुल मिरर लिया था और एक्सेस वाई एक्सेस के ऊपर और एक्सेस के ऊपर, और फिर इसके ऑब्जेक्ट से हमने इमेज बनाया था। ये जो इमेज है ये फ्लिप हो गया है। इसी तरीके से वाई एक्स एक्सेस के ऊपर अगर हम जो इमेज बनाएंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इमेज मिरर जो है वो टिल्ट होगा, वाई इज इक्वल टू एक्स होगा इस लाइन के ऊपर, तो इमेज जो बनेगा वो भी फ्लिप हो जाएगा। और इसमें जो है वो हम जो भी बनाएंगे वो पहले हम जो है 90 डिग्री लेंगे वर्टेक्स के ऊपर, और फिर उसके बाद जो है वो हम इमेज बनाएंगे तो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जाके वो जो है इमेज बनेगा, तो ये रिफ्लेक्शन जो है इन वाई एक्सेस होगा। अब हमारे पास जो है वो ये हमने जो पढ़ लिया, तो अब इसके बाद जो है वो हम पेपर क्वेश्चन पेपर करते हैं ताकि मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ये है 4024 पेपर नंबर 21 अक्टूबर नवंबर 15। ये व्हाट इज दे आर आस्किंग, द डायग्राम शोज ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी, ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी, ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑन टू ट्राइंगल सी। व्हाट वी हैव आस्किंग अबाउट, वी आर स्टडिंग बेसिकली द रिफ्लेक्शन। So this is the main second part which is relevant to us. Triangle A is mapped. Triangle A is mapped onto triangle B by reflection Q. Write down the equation of the line of this reflection. Reflection हमें बनाना है। अब reflection हमें बनाने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो जो दो triangle हैं उसके जो corresponding vertex हैं उसको हम आपस में ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट दिस इज वर्टेक्स, ये वर्टेक्स जो है ये करस्पॉन्डिंग है। अगर हम इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं और इसको सी लेते हैं, तो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ये कॉर्नर इस तरीके से मिल रहा है, तो ये कॉर्नर के ऊपर है तो ये ए डैश हो जाएगा। इसी तरीके से जो ये साइड है, ये बेस ए से जो आप ए से जो मिल रही है वो सी है, इसको अगर हम देखें तो ये सी डैश हो जाएगा। इसी तरीके से ऊपर जाएंगे हम तो ये बी है, तो इधर ये बी डैश हो जाएगा। तो इन दोनों का हम आपस में अगर ज्वाइन करते हैं ए और ए डैश को लाइक दिस, ये हमने ज्वाइन कर लिया। इसी तरीके से सी और सी डैश को जो है वो हम आपस में ज्वाइन करेंगे, ये कर लिया। इसी तरीके से बी और बी डैश को हमने ज्वाइन कर लिया। अब जो
जो मेन चीज़ है वो ये है कि इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए, जो हमने पढ़ा है उसका कंडीशन क्या है कि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और 90 डिग्री होना चाहिए। इक्वल डिस्टेंस करने के लिए हमें जो है पहले जो है वो या तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस कंपस, विद द हेल्प ऑफ दिस कंपस वी कैन मेक 90 इक्वल, वी डिवाइड दिस इनटू इक्वल पार्ट्स, और वी कैन ईजली से दैट ये हम अगर टाइम को सेव करें तो इसमें हम देखेंगे कि ये दो स्क्वायर्स हैं और ये इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इधर इधर से हम अगर इसको हाफ कर दें ये देखेंगे हाफ हो जाएगा। इसी तरीके से इसको स्क्वायर्स को अगर हम देखें 1 2 3 थ्री स्क्वायर्स हैं तो 1.5 के ऊपर जो है अप्रॉक्सीमेट आके जो है वो हमारा ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये इस तरफ, यानी इसका मतलब हुआ ये तकरीबन इधर। इसी तरीके से हम ये स्क्वायर्स पढ़ें 1 2 3 4 तो 2 पे आ जाएगा, इसका मतलब ये हो गया। तो ये हमारे जो है ये हाफ हो जाएगा। तो अगर अगर हम इसको इन सब को आपस में मिला लें तो ये लाइन जो है वो हमारी, ये दोनों डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा, ये भी सी सी डैश और बी बी डैश। अब अगर हम इसको जो है वो हम देखें कि 90 डिग्री भी है कि नहीं है, तो 90 डिग्री है, यस इट इज़ 90 डिग्री। सो टू सेव द टाइम इट इज़ 90 डिग्री ओवर हियर, 90 डिग्री ओवर। सो टू कंडीशंस, 90 डिग्री एंड इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंसेस। सो व्हाट द पेपर इज आस्किंग, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ दिस रिफ्लेक्शन। This is the equation of line. This is actually the mirror. So what we have studied in the geometry, it is y is equal to x because it is crossing the origin. So the reflection will be, write down the equation of this line. So y is equal to x is the equation of the line. So this is the actual question we have done. Now again, this is again paper 1-2, October-November 2013. What he is asking, describe fully the single transformation that maps triangle A onto B like this. So what we have to do is to join the corresponding vertices. This is just like same, it is quite same as previous. So we have done, we have joined this. And this is A, B and C, A, A dash and C dash and B dash. So this B and B dash is have to join like this, and C and C dash. So quite easy. One square means it is somewhere half. And it is 1 2 3, so 1.5 1 1.5 half, 1 2 3 1.5 half. So we have so according to the reflection the object has the same distance from the mirror and the image has the same distance with the mirror. So we have this line which is reflecting this A into B. So what is the equation of line? This is y is equal to x. So describe fully a triangle A into B. The answer is reflection in y is equal to x. It's quite simple. Two questions, 2 marks, and we have done this type of reflection again. So question of paper 1-1, October-November 2013, describe fully single transformation that maps A onto B, A onto B. So what we have to do, we have to join the corresponding vertices, that is A, and this is
B and this is C. This is corresponding vertices like this, and this is corresponding to this A dash, and this is A is going towards this, then it is C dash, and B is A is somewhat over here, so it is B dash. So what we have to do is to join the corresponding vertices like this and this. So equal distance, we just say that A and A dash, A or A dash में कितने boxes हैं? दो. तो हाफ इसका यहाँ पे हो जाएगा. हमें इक्वल डिस्टेंस चाहिए ऑब्जेक्ट से मिरर का और मिरर से इमेज का. इक्वल डिस्टेंस आ गया यहाँ पे. इसी तरीके से ये सी और सी डैश, सी और सी डैश में एक दो तीन चार पाँच, तो ये क्या हो जाएगा? एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स हैं, सिक्स बॉक्सेस हैं. एक दो तीन, ये इसका हाफ हो गया. अब इसको अगर हम ज्वाइन करें आपस में तो ये हमारा मिरर हो गया. दिस इज अ मिरर विच रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट ए इनटू ऑब्जेक्ट बी. सो इसका अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? डिस्क्राइब सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए इनटू ट्रायंगल बी, ट्रायंगल ए इनटू ट्रायंगल बी. तो इट इज रिफ्लेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये मालूम कर लिया कि ये रिफ्लेक्शन है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फोर टाइप्स की है, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, एनलार्जमेंट एंड ट्रांसलेशन. सो इसमें हमने ये पहले देख लिया कि ये टाइप कौन सी है. ये टाइप है रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन में कौन सी रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन जो है जो मिरर पोजीशन है वो क्या बता रही है? वो क्या ये बता रही है कि वाई इज इक्वल टू एक्स? नहीं, यहाँ पे तो नहीं जा रही, ये तो इधर से नहीं जा रही मिरर जो पोजीशन जो है. ये मिरर जो है वो एक्स है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ हुआ है, एक ब्लॉक शिफ्ट हुआ है. कहाँ पे? लेफ्ट साइड के ऊपर. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिफ्लेक्शन होगी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, लेफ्ट साइड के ऊपर रिफ्लेक्शन, और ये शिफ्ट हुआ हुआ है. तो मिरर की पोजीशन जो है वो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन है, रिफ्लेक्शन है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. सो ये जिस तरीके से आप क्वेश्चंस करेंगे उसी तरीके से आपको जो है वो मज़ीद कॉन्फिडेंस भी आएगा, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. मिरर की पोजीशन बतानी होगी, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन बतानी होगी, और ये भी देखना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन में जो है ये कौन सी टाइप है. अभी हमने रिफ्लेक्शन ही पढ़ी और रिफ्लेक्शन को ही हम लेके चल रहे हैं ताकि आप जो है प्रॉपर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लें और प्रैक्टिस करें इसकी. एक और क्वेश्चन है 24024 पेपर 11 मई जून 2017 का ये है. इसको हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं. ट्राइंगल बी इज द इमेज ऑफ ट्राइंगल ए. ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी है ना. आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द लाइन वाई इज इक्वल टू माइनस वन, ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल बी ऑन द डायग्राम. ट्राइंगल बी को हमें बनाना है और रिफ्लेक्शन हमें देनी है वाई इज इक्वल टू माइनस वन पे. वाई इज इक्वल टू माइनस वन कहाँ पे होगा भाई? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. वाई इज इक्वल, ये क्या है? हम वाई एक्सिस के ऊपर हम नीचे की तरफ आएंगे क्योंकि वाई इज इक्वल टू माइनस वन है, माइनस वन. ये भी वाई इज इक्वल टू माइनस वन है. यहाँ पे क्या है? वाई इज इक्वल टू माइनस वन. यहाँ पे भी क्या है? वाई इज इक्वल टू माइनस वन. तो इसका मतलब ये पूरी लाइन जो है ये वाई इज इक्वल टू माइनस वन है. इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे और वाई इज इक्वल टू माइनस वन हमें आंसर लगेगा. तो ये हमारा मिरर पोजिशन हो गई है. दिस इज वाई इज इक्वल टू माइनस वन. पहले हमने ये हासिल कर लिया, सॉरी रिफ्लेक्शन हमने हासिल कर लिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन. अब हमें क्या करना है? इसको इसका लेबल करना है. हमें रिफ्लेक्शन बनानी है, हमें इमेज बनानी है अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू माइनस वन. सो हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसकी वर्टिसेस को हम एक्सटेंड करते हैं. वर्टिसेस को हमने एक्सटेंड कर लिया ऑन 90 डिग्री. 90 डिग्री के ऊपर हम एक्सटेंड करेंगे. ये सीधा सीधा है, ये हमने एक्सटेंड कर लिया. कितना एक्सटेंड करना है? ऑब्जेक्ट से मिरर तक का जो डिस्टेंस है, उसी तरीके से जो इमेज है उसका वर्टेक्स जो है उसका मिरर से जो फासला है वो दोनों बराबर होना चाहिए. यानी ये करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को जो है हमें बढ़ाना है. ये 90 डिग्री हो गया इसके ऊपर, और इसको हम एक्सटेंड करेंगे. यहाँ पे टू ब्लॉक्स, वन टू ब्लॉक्स, इधर भी वन टू ब्लॉक्स. तो इसका मतलब है कि ये
यहाँ पे अगर हम वर्टिस के नाम दें ए बी सी देन ए वी हैव ए डैश देन वी हैव टू एक्सटेंड दिस टूवर्ड्स मिरर एंड एक्सटेंड आफ्टर मिरर सो दिस इज बी एंड टू ब्लॉक्स ओवर above the mirror and two blocks below the mirror to have the equal distance b dash and what about the c dash is 1 2 3 4 blocks aur ye b ke hi align hai to iska matlab hai b se hi hum aur mazid aage chalenge 1 after mirror jo hai wo hame 4 blocks niche jana hai kyunki 4 blocks upar hai 1 2 3 4 आगे सी डैश तो इसका मतलब है सी डैश हमें यहाँ पे आ गया अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे वेरी इजी इफ यू हैव एनी क्वेरी और यू हैव एनी डिफिकल्टी देन आस्क मी आई विल अप्रिशिएट टू रिस्पॉन्ड यू सो वी हैव दिस ट्राइंगल एज द इमेज ऑन वाई एक्सिस वाई इज इक्वल टू -1 एंड इट इज हमें क्या करना है draw and label B on the diagram या लेबल कर दिया इसके अलावा हम इसको जो है वो इसके वर्टिसेस जो है वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि 2 ये 2 हो जाएगा 2 और 1 2 3 2 -3 इसी तरीके से 3 -3 एंड इसी तरीके से C जो है क्या होगा 3 और 1 2 3 4 5 -5 ये हो गया 2017 का हमने एक और पेपर जो है सॉल्व कर लिया अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्शन सो ये आप अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हम और मज़ीद ईजी होता चला जाएगा अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं वो है 4024 पेपर 22 May-June 2016 इसमें इसने क्वेश्चन नंबर 10 इसमें क्या पूछा है डिस्क्राइब फुल्ली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल बी ऑन टू सी बी ऑन टू सी हमारे पास बहुत ढेर सारी चार टाइप्स तो हैं ही हैं पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है ये रिफ्लेक्शन है या रोटेशन है एनलार्जमेंट है या ट्रांसलेशन है अभी तक हमने रिफ्लेक्शन ही पढ़ा है रिफ्लेक्शन की ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिफ्लेक्शन में हमें सिर्फ वर्टिसेस जो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस है उसको मिलाना है उसमें हमें देखना है कि इक्वल डिस्टेंस है और 90 डिग्री है तो हम जो है वो उसमें कामयाब हो जाएंगे अगर ये नहीं होता है तो फिर किसी और दूसरी टाइप की रिफ्लेक्शन हो सकती है वो हम फिर आगे चल के देखेंगे अब करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस जो हैं जैसे ये है ए इसको हमने नाम दे दिया हमने क्या करना है बी को सी पे मैप करना है बी है इसको सी पे मैप करना है तो बी का मतलब है ये ए हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा ए डैश इसी तरीके से इसका जो दूसरा करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है वो है बी ओवर हेयर और ये इसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जो है वो होगा बी डैश और ये जो थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ है ये इधर कॉर्नर जो बना हुआ है छोटा सा कॉर्नर ये होगा इधर ये सी तो ये हो जाएगा सी डैश ठीक है ये हमने लेबलिंग कर दी ताकि हम जो है वो सी को सी डैश से मिलाएं बी को बी डैश से मिलाएं ए को ए डैश से मिलाएं अगर हमने ये लेबलिंग नहीं की तो हो सकता है कि हम मिक्सअप करके दूसरे वर्टेक्स को जो है करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को मिलाना शुरू कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी तो रिफ्लेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स और दूसरे जो रोटेशन वगैरह भी पढ़ेंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस जो है वो हमें पता होने चाहिए और मैच होने चाहिए अब ए को हमने ए डैश के साथ ज्वाइन कर लिया लाइक दिस सी लेबल कर लिया बहुत इजी ये हमने ये बहुत इसी तरीके से बी और बी डैश ये ज्वाइन हो गए पहला स्टेप हो गया दूसरा स्टेप क्या है इनको इक्वल डिस्टेंस में हमें डिवाइड करना है इक्वल डिस्टेंस जो है क्योंकि ये बॉक्सेस बने हुए तो अब इजी है अगर बॉक्सेस नहीं होते तो फिर हमें जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ता और फिर उससे जो है वो हम उसको सारे वर्टिसेस को जो है वो हम ज्वाइन करके और फिर उनको अलग अलग हम जो है वो डिवाइड करते और फिर उससे लाइन खींचते तो फिर हमारे पास रिफ्लेक्शन लाइन आता अब ये हमारे पास ईजी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 9 मीन्स 4.5 1 2 3 4 और हाफ इधर ये तकरीबन ये 4.5 होगा तो इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा ये आ गया एक पॉइंट 1
टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स बॉक्सेस, बहुत वेरी इजी, ये तो और इजी हो गया, हमें फोर पॉइंट आधा करने की ज़रूरत ही नहीं, ऐसे ही सीधा सीधा आ जाएगा। तो थ्री बॉक्सेस, वन टू थ्री, ये थ्री आ गया। अब इसको गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात का आधा हो जाएगा 3.5, तो एक दो थ्री और तीन 3.5, ये तकरीबन ये यहाँ पे। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमारे पास लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आ गई, और ये इक्वल डिस्टेंसेस हैं। पहली कंडीशन क्या है, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है जी, देख लेते हैं 90 डिग्री है क्या नहीं है। ये हमने मिरर के ऊपर जो है वो सेट ऑफ स्क्वायर रखा और यहाँ पे देखा, ठीक है जी 90 डिग्री है, ये आ गया 90 डिग्री। इसी तरीके से दूसरी तरफ जो है वो हम सेट ऑफ स्क्वायर रखते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या पोजीशन है इमेज की। हाँ जी, ये भी सही है, ये भी 90 डिग्री, ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। इसी तरीके से ये दोनों देखेंगे, इसके भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो इधर भी 90 डिग्री है, तो ये पहली कंडीशन 90 डिग्री की फुलफिल हो गई। अब दोनों बराबर हैं, हाँ जी बराबर है, ये सीधा सीधा है, वन टू थ्री, और यहाँ पे भी वन टू थ्री, यहाँ पे जो है वो 2.5 3.5 जो भी हमने वो किया था कैलकुलेट किया गया। अब इक्वल डिस्टेंसेस आ गए, इक्वल डिस्टेंसेस, ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर, ये इमेज, ये मिरर, इक्वल डिस्टेंस आ गया और 90 डिग्री आ गया। अब ये क्या है, ये लाइन, अब उसने पूछा क्या है, पूछा क्या है, डिस्क्राइब सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप क्या है, कौन सी है ये, रिफ्लेक्शन, ओके। अब रिफ्लेक्शन में कौन सी रिफ्लेक्शन, मिरर की पोजीशन क्या है, मिरर की पोजीशन क्या है, मिरर की पोजीशन है y इज इक्वल टू x, रिफ्लेक्शन इन y इज इक्वल टू x। सो ये भी पार्ट जो है वो हमने रिफ्लेक्शन का कर लिया। तो ये अंडरस्टैंडिंग जब तक हमें होगी, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे, हमें क्लियर नहीं होगा, हमें जो है वो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होगी। इस वजह से आप जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, हमने आपको ये प्रैक्टिस करके दिखा भी दिया है, बता भी दिया करके, और इसको आप देखें और प्रैक्टिस करें, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई होती है, तो आप मुझे यकीनन मुझे क्वेश्चन आप मुझे भेजें, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आई विल गिव यू द आंसर। ओके, सो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो दूसरी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरी टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, और फिर उसी की एप्लीकेशंस में हम जो है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो और आप प्रैक्टिस करें। सो बाय द नेक्स्ट टाइम, ओके, खुदा हाफिज़।